नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वायरल इन्फो वार। क्या आप घर बैठे मनी अर्न करना चाहते हैं, या आपके मन में है कि कौन सा काम कहां से शुरू करें, या आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से काम में आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो आप तैयार हो जाइए क्योंकि अब आप काम शुरू करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जॉब, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से संबंधित कंटेंट डालता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट खुद ऑफर करती है ऑनलाइन मनी अर्न करने के लिए। प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट दो तरीके का होता है, एक जिसपे अपना स्टोर होता है, जिसपे हम अपना प्रोडक्ट को डिजाइन करके वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बायर्स का ट्राफिक आता है, हमारा प्रोडक्ट सेल होता है और हमें कमीशन मिलता है। दूसरा वो जिसके पास अपना स्टोर नहीं होता, उस पर हमें अलग से किसी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे शॉपिफाई, इट्सी, वूकॉमर्स पे हमें अपना स्टोर ओपन करके अपना प्रोडक्ट को डिजाइन करके वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं और वहाँ भी बहुत सारा बायर्स का ट्राफिक आता है और हमारा प्रोडक्ट को परचेज करता है और हमें कमीशन आना शुरू हो जाता है। और ये कमीशन एक बार नहीं आता है, जितनी बार प्रोडक्ट सेल होगा उतनी बार हमें कमीशन आता रहता है। तो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका है मनी अर्न करने के लिए। सो गाइज, कीप वॉचिंग टिल द एंड। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू अर्न मनी बाय द बेस्ट प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड हाउ टू अर्न मनी बाय द बेस्ट प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट मर्च 38। अब चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और दिखाते हैं आगे का होल प्रोसेस। फ्रेंड्स, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस से पैसे अर्न करने के लिए सिंपली आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे merch38 यानी merch38.com। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे। यह एक बहुत ही अच्छा प्रिंट ऑन डिमांड की वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत आसानी से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके से इसका पेज शो होता है। तो पैसे अर्न करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट डिजाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे कैटेगोरीज हैं प्रोडक्ट का, किसी भी कैटेगोरीज में आप प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अभी टी शर्ट दिख रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे यहाँ पे कैटेगोरीज होते हैं प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए। तो सिंपली आपको एग्जाम्पल के लिए किसी एक टी शर्ट को यहाँ पे डिजाइन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ और ये दिखाने वाला हूँ कि इस पर कितनी आसानी से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट डिजाइनिंग पे हम क्लिक करेंगे, इस पेज को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, उसके बाद ऑनलाइन मनी अर्न करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम शो हो रहा है, यहाँ पे प्राइसिंग शो हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का कुछ फीचर्स लिखे गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है कि आपको प्रोडक्ट के किस पोर्शन पे आपको डिजाइन करना है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट पोर्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे मैं फ्रंट पोर्शन को यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक टी शर्ट का प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है। अब आप प्रोडक्ट को किस तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं, आप वहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यानी टाइपोग्राफी की तरह से डिजाइन करना चाहते हैं, या आपके पास ऑलरेडी कोई आर्ट वर्क है उसको आप यहाँ पे पुट करना चाहते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है टेक्स्ट है और यहाँ पे फोटो को अपलोड करने का ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट पोर्शन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये फ्रंट पोर्शन पे ही ये डिजाइन होगा, चाहे हम आर्ट वर्क वहाँ पे पुट करें या हम कोई वहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है, यहाँ पे इस स्लाइडर को जो हल्का सा दिख रहा है इसको पकड़ कर नीचे खींचेंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप प्रिंट कितनी जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं, यानी 1 to 2 बिजनेस डे में आपको प्रिंटिंग चाहिए, यानी कितनी फ्रीक्वेंटली आपको चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए। यहाँ पे 1 सेलेक्ट करके रखा है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट के अलग अलग यहाँ पे स्टाइल है, यानी लेट सपोज मैं बीच वाले को इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखो इस साइज का यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे लिख करके आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हैं सेटिंग के, आप इसको देख सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें से अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो हम बिल्कुल इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे हम जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो जैसे मैं लिख देता हूँ नेवर गिव अप। अब इस साइज को थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंट साइज से ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे साइज को कम करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब जिस साइज में हमें रखना है इस साइज में हम रख सकते हैं इसको। अब हम एक आर्ट वर्क को यहाँ पे अपलोड कराते हैं, इसके लिए हम इस फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। ड्रैग इमेज के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं इस आर्ट वर्क को पिक कर लेता हूँ, ओपन करेंगे। अब इस तरीके से ये आर्ट वर्क यहाँ पे आ चुका है और खुद से यहाँ पे आकर के ये प्लेस भी हो चुका है। तो ये अब डिजाइन हो गई। एंगल को राइट या लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ओपेसिटी है, यहाँ पे कुछ लेयर्स शैडो को
अगर आप आपके आर्टवर्क में कुछ शैडो डालना है शैडो डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास आर्टवर्क नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे अनप्लेस्ड है और एक और वेबसाइट है पिक्साबे, वहां से आप फ्री में इमेज को डाउनलोड करके आर्टवर्क को डाउनलोड करके आप यहाँ पे डिजाइनिंग करके भी पैसे अर्न कर सकते हैं। अब इस आर्टवर्क को थोड़ा सा पोजिशन देख लेते हैं, थोड़ा सा ये इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेंगे, ये पूरा प्रिंटिंग साइज में आना चाहिए, इसको थोड़ा सा हम और एडजस्ट कर लेते हैं, पूरा प्रिंटिंग साइज में अब आ चुका है। अब यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, अब आपका टी शर्ट बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे डिजाइन हो चुका है। अब नीचे आ जाना है, ये हमें कुछ प्राइसिंग यहाँ पे दिख रही है, इसका प्राइसिंग है, कुछ शिपिंग चार्जेज है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे कुछ बिलिंग एड्रेस आपसे मांगा जा रहा है, यहाँ पे पूरा नाम आपको यहाँ पे और पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे कुछ प्रिंट शॉप है, यहाँ इसके अंदर भी आप डिजाइन करेंगे और डिजाइन इसके अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आते हैं, बहुत सारे ट्रैफिक आता है और वहाँ से जैसे ही आपका प्रोडक्ट सेल आउट होता है वैसे वैसे आपको यहाँ पे कमीशन आता रहेगा। अब यहाँ पे मैंने कंप्लीट एड्रेस डाल दिया है, ईमेल आईडी के साथ मैंने पूरा डाल दिया है। अब यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं, साइन इन पे क्लिक करेंगे या हम इस प्रोडक्ट को ऑर्डर भी कर सकते थे, तो कल मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद साइनअप पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से आपका यहाँ पे साइनअप हो चुका है, ये आपका डैशबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, सेल्स यहाँ पे दिख रही है, आइटम वाइज यहाँ पे कितना सेल हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चूंकि ये ब्रांड न्यू अकाउंट है तो अभी कोई सेल 00 दिख रहा है सब कुछ। आप नीचे आकर के देख सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं वीडियो के द्वारा, आप वीडियो को देख करके कुछ यहाँ पे नॉलेज भी कलेक्ट कर सकते हैं। होगा कि जैसे ही प्रोडक्ट कैंपेन हम क्रिएट करेंगे उसके बाद उसका लिंक को हम अलग अलग सोशल मीडिया पे या कहीं भी जब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जैसे शॉपिफाई, ई कॉमर्स, इट्सी, कहीं भी हम स्टोर ओपन करेंगे वहां पे हम शेयर करेंगे और वहां से जो सेल होगा उसका वहां पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है, वहां से जो सेल होगा उसका भी एनालिटिक्स हम यहाँ पे ऑर्डर्स में देख सकते हैं और प्राइसिंग भी देख सकते हैं और यहाँ पे हम पे आउट में देख सकते हैं, वहां से भी हमें अच्छा खासा सेल आ सकता है और हमें अच्छा खासा यहाँ पे मार्जिन मिल सकता है। तो यहाँ पे ऐड कैंपेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैंपेन का कुछ नाम डाल देंगे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ RNG, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और एक लोगो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, चूज लोकल फाइल, लोगो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डन कर देंगे। अब इस तरीके से RNG का यहाँ पे लोगो इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप अपने स्टोर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि आपका स्टोर किस तरीके का है, किस तरीके का प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल करने वाले हो, इस तरीके से थोड़ा सा एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। और अब यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल डिस्क्रिप्शन दोनों हो गया, अब यहाँ पे कुछ प्राइसिंग सेट कर लेंगे, ओके करेंगे। प्राइसिंग को आप कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि आपकी मार्जिन है, आप यहाँ से प्रॉफिट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे $10 है, यहाँ पे मैं इसको कम कर देता हूँ, लेट सपोज इसको मैं $8 कर देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे स्टोर ब्रांडिंग और प्राइसिंग हो गई, अब डिजाइन भी यहाँ पे हम कुछ आर्ट वर्क को यहाँ पे अपलोड करा देते हैं। सपोज मैं इस पे क्लिक करते हैं एड इमेज पे और हमारे पास जो भी आर्ट वर्क है उसको हम यहाँ से अपलोड कराएंगे। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जहाँ भी आर्ट वर्क होगा, जैसे यहाँ पे आर्ट वर्क है इसको हम ओपन कर लेते हैं इस तरीके से, हो गई, यहाँ पे डन करेंगे। अब ये आर्ट वर्क इस टी शर्ट पे यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे अपलोड मेन आर्ट वर्क, ये मेन आर्ट वर्क हो गया, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सेव कर देंगे। अब इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट डिजाइन भी हो गया, प्राइसिंग भी सेट हो गई और स्टोर की ब्रांडिंग भी हो गई। अब ये सारे चीज को हम पब्लिश जैसे ही कर देंगे, ये हमारा स्टोर यहाँ पे इस वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा और जैसे जैसे यहाँ पे बायर्स आएंगे, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और वैसे वैसे हमें यहाँ पे मार्जिन मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कमीशन आना शुरू हो जाएगा। ये और ये प्रोडक्ट जितनी बार सेल होगा उतनी बार हमें कमीशन आता रहेगा, लाइफ टाइम तक आता रहेगा। तो हम अपने तरीके से जितना ज़्यादा ज़्यादा हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे अपने सोशल मीडिया पे भी इसको हम डाल सकते हैं, ऐसे इस वेबसाइट का भी अपना मार्केटिंग टीम होता है, ये भी अपना मार्केटिंग करती है, बट हम अपने तरीके से भी यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट यहाँ पे डिजाइन करेंगे अलग अलग कैटेगरी में, उतना ज़्यादा ज़्यादा हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेल होगा और उतना ज़्यादा हम यहाँ पे मार्जिन अर्न कर पाएगा। जैसे यहाँ पे शेयर लिंक करने के लिए शेयर यहाँ पे लिंक जनरेट हो चुका है, इसको एम्बेड भी कर सकते हैं किसी और वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पे भी इसको हम पोस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके भी हम अलग अलग सोशल मीडिया पे हम पोस्ट कर सकते हैं। अब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे उतना ज़्यादा हमें सेल्स होने के चांसेज होंगे और उतना ज़्यादा हमें मार्जिन मिलेगी।
तो इस तरीके से इस वेबसाइट पे हम बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइज, आपने देखा कि कितनी आसानी से प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस से हम ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हैं। सो गाइज, देर किस बात की, आज ही प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस शुरू कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये प्रिंट ऑन डिमांड ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। कीप वॉचिंग, गुड बाय।